अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपके खानों में बरकत अता फरमाए, आप पर रहमत नाजल फरमाए। जैसे कि आपको सबको पता है कि गर्मियां आ चुकी हैं और गर्मियों में अगर हम ठंडा कुछ ना पिए तो फिर सुकून नहीं आता। तो मैं आपको बताऊंगी कि मिल्क शेक कैसे बनाते हैं। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और तमाम नए आने वाले जितने भी मिल्क शेक वगैरह या जो भी बनते हैं वो मैं आपको बनाने का तरीका बता सकूं। सब्सक्राइब भी करें, शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। हम अब शुरू करते हैं। ये मैंने 2 कप के करीब तकरीबन स्ट्रॉबेरी ले ली है। ये इसमें चीनी जाएगी, ये दूध जाएगा और ये मेरे पास आइसक्रीम थी, ये जाएगी। अगर आपके पास ये ना हो तो कोई बात नहीं, वैसे भी आप बना सकते हैं, लेकिन ये अगर डाल लें तो बड़ा मज़े का शेक बनता है। आइए अब हम शुरू करते हैं। ये हम 1 कप के करीब तकरीबन दूध डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना, बाद में दूसरा डाल लेंगे। ये स्ट्रॉबेरी डाल दी, स्ट्रॉबेरी डाल दी। अब ये इसमें तकरीबन 2 चम्मच चीनी जाएगी। चीनी के बगैर ये नहीं बनती, क्योंकि वैसे तो जिसका जी चाहे वो खट्टा, लेकिन खट्टी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए चीनी ज़रूर डालें इसमें। ये बंद कर दी और ये अब हम ये इसमें आइसक्रीम डालेंगे। ये बकाया दूध डाल दिया और इसको हमने बार बार पीसना है, एक बार ही नहीं पीसते रहना। इसमें बीज जो आते हैं ना वो मुंह में, वो ज़रा नहीं लोगों को पसंद होते, वो अच्छी तरह पीस जाए ये हम। अब ये हमारा मिल्क शेक तैयार है, स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। ये हम डिश आउट करेंगे। ये देखें, इसमें मैंने आइस नहीं डाली थी क्योंकि ये दूध हमारा पहले से ही ठंडा था और स्ट्रॉबेरी भी हमने फ्रिज में रखी हुई थी, ये ठंडी थी। ये पिए और मुझे याद रखें दवाओं में। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।